हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे व्रत वाले आलू। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इनका स्वाद लाजवाब होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालूंगी। जब घी गर्म हो जाए तब 1 चम्मच जीरा डालूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालूंगी। इसे हम 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। अब मैं इसमें 1/4 कप मूंगफली के दाने डालूंगी और इसे 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें 5 उबले हुए और कटे हुए आलू डालूंगी और सभी चीजों के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। व्रत वाले आलू अच्छे से पक चुके हैं। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करेंगे। व्रत वाले आलू तैयार हैं। इन्हें गर्मा गर्म परोसे दही के साथ। व्रत वाले हरियाली आलू, इन्हें बनाना बहुत आसान होता है और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग जार में 1 अदरक का टुकड़ा काट के डालूंगी। अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे। 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली डालूंगी। कुछ हरी धनिया के पत्ते डालेंगे और इनका हम एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं एक पैन में 2 चम्मच घी डालूंगी। जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और तैयार किया हुआ मसाला पेस्ट डालेंगे। इन सभी को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें 5 से 6 उबले हुए और कटे हुए आलू डालूंगी और आलू के साथ इन सब चीजों को अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। नमक मैंने अपने स्वाद के अनुसार डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। नमक को भी आलूओं में अच्छे से मिला लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हरियाली आलू बनके तैयार है। इन्हें आप दही के साथ सर्व करें।